का जीटी रोड जिसे कभी शेरशाह सूरी ने कोलकाता से अमृतसर के बीच में बनाया था, जी हाँ उसी जीटी रोड का हावड़ा का शिवपुर इलाका जब कल रामनवमी के मौके पर एक बार फिर बवाल का शिकार हुआ और बीते साल की तुलना में कल रात ही एक बार फिर से आगजनी यहाँ देखने को मिली और वो तस्वीरें कुछ आपको अभी भी बयां करती है। एक एक करके हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि कल की काली रात के जो स्याह अंधेरे थे वो करीब करीब धुलने की कोशिश की गई है प्रशासन के द्वारा, लेकिन आपको ये देखिए फटा पोस्टर्स जो और बगल में लगातार ये तोड़ने की कोशिश की गई। कल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से इस पूरे इलाके पे आगजनी की गई थी। वो आगजनी के निशान प्रशासन ने हालांकि साफ कर दिए, लेकिन यहाँ पे कल बाइक जली थी। कुछ लोग हैं, अगर हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या कल हुआ, क्या था यहाँ पे, कुछ आइडिया आपको? कुछ नहीं, बाइक को जलाया गया था। किसने जलाया था अब ये तो नहीं पता। तो मतलब अचानक भीड़ उपद्रवी कहाँ से आ गए, कौन लोग थे, कौन लेफ्ट थे? रामनवमी का पर्व ही था, तब चहल पहल था, बस यही। फिर कैसा आगजनी कैसे हो गई? आगजनी बाइक को तोड़ा गया है। किसने तोड़ा? अब वो तो हमने नहीं देखा। लेकिन बाइक आप बाइक हटी कब है? बाइक रात में हटी, कब हटी? चलिए अब बात करते वक्त लोग खुल के नहीं बोले, लेकिन आगे धीरे धीरे हम करके आपको ये पूरी सड़क को दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं कि मेरे दाहिनी तरफ से वो सड़क जो कि काजीपुर कहा जाता है, काजीपाड़ा से ये जो जुलूस निकला था और कुछ इस तरफ जाना था, इसे बंगोबासी का इलाका, इसी सड़क होके ये पूरा जुलूस जाना था और इसके बाद अचानक थाने के ठीक बाहर आगजनी में तब्दील हुआ है। और ये देखिए, ये आप जो दुकानों के बैनर्स तोड़े गए हैं ये आपको नजर आएंगे। कुछ लोग हैं ऑलरेडी, कुछ चप्पलें यहाँ पे छूटी, हालांकि प्रशासन ने उनको हटा दिया है। क्या हुआ था कल, कुछ बताए ना आप लोग, क्या हुआ था? ये सब क्या पोस्टर्स टूटा हुआ, आगजनी कुछ नहीं हुआ था? हम लोग तो थे नहीं, अभी आए हैं। अच्छा, आप लोग नहीं थे। कुछ इस तरह के आपको आगे भी दिखाएंगे कि कैसे हुआ क्या था। मैं आपको बताऊं कि ये देखिए जो पोस्टर्स लगाए गए थे कुछ इसी तरह के, जो कल रामनवमी के मौके पे यहाँ से जुलूस निकलता है, उस पोस्टर्स को कैसे एक तरह से आगजनी के बाद फिर तोड़फोड़ की गई और अब प्रशासन इस पूरे इलाके में सक्रिय है और एक तरह से पुलिस की प्रेजेंस आपको बढ़ाई गई है। ये पूरा इलाका आप यहाँ पे देखेंगे कैसे गाड़ियों से तोड़फाड़ की गई है और लगातार ये स्पॉट आपने कल रात में देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार गाड़ियां जलाई गई थी। ये अभी भी ये जो गाड़ी के शीशे टूटे हैं इसके निशान आपको नजर आ जाएंगे और ये पूरा मलबा, हालांकि पूरी साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन कल रात यहाँ पे क्या हुआ था ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। देखिए किस तरीके से लगातार इन दुकानों को तोड़फाड़ की गई, देखिए किस तरीके से दुकानें यहाँ से टूटी है। और आप धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि कल जब गाड़ी जला हुआ था, जब चला गया था, अभी आप आगे इतनी कर रहे हैं? नहीं नहीं, कल भी आए थे, कल भी लोग आए थे हमारे। अब भैया सुनिए, रोड पर आप जो ले रहे हैं, पहाड़ा में ढूंढने का क्या जरूरत है? अभी तो सब रिपोर्टर जितना है मीडिया वाला सब रोड पे आया है। पहाड़ा के अंदर को जाके देखिए पुलिस का हालत किया, मार के तोड़ के क्या किया, देखिए ना बाबा अंदर जाइए। चले चले चले, पहाड़ा में भी चल रहे, आगे भी चलेंगे। और हालांकि सुबह के वक्त में यहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस जरूर बढ़ा दी गई है और देखिए कि आपको कोलकाता पुलिस के जवान यहाँ पे नजर आएंगे। और ये पूरा सड़क था जहाँ पे ये पूरा बवाल कटा था, ये आप जाके कुछ कोलकाता पुलिस के प्रेजेंस यहाँ पे जरूर बढ़ाई गई है और धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। और प्रशासन के तरफ से बहुत सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी कुछ विवाद करने की कोशिश करता है या प्रोसेसर निकालने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्रशासन की तरफ से शांति बनाने की अब अपील की जा रही है। देखिए कि बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस के जवान भी आपको नजर आएंगे। ये स्पॉट है एक तरह से यहाँ पे पूरा टूटा हुआ था, देखिए कि ये जो कल के बवाल के बाद ही ये पूरा स्पॉट यहाँ से टूटा था। ये खंभे आपको नजर आएंगे कि कैसे किस तरीके से टूटे गए थे और अब इनका एक तरह से रिपेयर हो रहा है और अब यहाँ पे एक तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये खंभा देखिए कि किस तरीके से, क्या कल ये बवाल झगड़े में टूटा था? ये हाँ झगड़े में टूटा था। कैसे, ये उतना ऊंचाई से पुल कैसे टूट गया? उत्तर उधर चलाया लोग, बीजेपी वाला लोग। ये देखिए पोस्टर्स, मतलब जो भीड़ निकली है इसके बाद जहां भी नजर आया है वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। और ये पूरा सड़क है शिवपुर सड़क जिसे कहते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा बवाल था और ये
दूसरी बार एक तरह से यहाँ पे हुआ था मामला, क्योंकि बीते रामनवमी में भी यहाँ पे पूरा बवाल कटा था और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ये देखिए, अगर आपको ये गाड़ी नजर आएगी, आप सीधी अगर आप इस गाड़ी पर नजर आएंगे तो ये गाड़ी एक तरह से खड़ी थी पार्किंग में, लेकिन ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है और इस गाड़ी को तोड़ा गया है। और आप दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे कि कुछ कोलकाता पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस जो बड़े आला अधिकारी हैं, वो आपको यहाँ पे स्कॉर्ट करते नजर आएंगे और आज एक तरह से फ्लैग मार्च करके यहाँ पे शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए कि जो कोलकाता पुलिस के जवान के अलावे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी नजर आएंगे, जो कि फ्लैग मार्च करके यहाँ पे अब लोगों में कॉन्फिडेंस बनाने की और एक तरह से लोगों में शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के एक बार फिर ये जो शिवपुर का इलाका, हावड़ा का इलाका, कल रामनवमी के मौके पर यहाँ पे दो गुटों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, एक तरह से बवाल देखने को मिला था, अब जाके ये शांति बनाने की कोशिश लगातार हो रही है। लेकिन लगातार ये सवाल उठता है कि उस वक्त जब रामनवमी के तय रूट में अगर प्रोसेशन के बीच में अगर कोई पथराव होता है तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है।